नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार में। साथियों, जो भी पशुपालक भाई अपने घर पे गाय रखते हैं, जाहिर है वो गाय दूध के लिए रखते हैं, और अगर वो गाय दूध बहुत अच्छा देगी तो उनके लिए वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगी। और गाय दूध अच्छा कब देगी? जब गाय की गादी या थन बड़े और सुडौल होंगे और देखने में भी एकदम से अच्छे लगेंगे। तो साथियों, हर पशुपालक भाई ये चाहता है कि उसकी गाय के थन बड़े और सुडौल हो, उसकी गादी बहुत ही अच्छी हो। विशेष तौर से ब्याने से पहले जब वो गादी तैयार करती है तो गाय की गादी बहुत ही शानदार दिखनी चाहिए, ये सभी की इच्छा होती है। साथियों, मैं दीनदयाल रामावत आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल DD रामावत में हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, हम हमारे चैनल में पशुओं से जुड़ी कोई ना कोई जानकारी हर वीडियो में, कोई ना कोई बीमारी के इलाज, कारण, लक्षण, घरेलू इलाज और उसकी रोकथाम के उपाय या फिर किसी ना किसी समस्या का समाधान हम इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। साथ ही उसी प्रकार से आज मैं गायों की गादी और थन को बड़ा करने का तरीका लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। तो आइए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल वाला बटन है उसे दबाना ना भूलें। साथियों, गायों की गादी का बनना विशेष तौर से उनकी नस्ल पे भी डिपेंड करता है। यानी कई ऐसी नस्लें हैं जिनका दूध बहुत ही ज़्यादा होता है, उनकी गादी भी बड़ी और सुडौल होती है। नस्लों के बारे में मैंने अलग से आपको वीडियो में जानकारी दी थी, वो वीडियो भी आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, आप उसे देखें। उससे आपको पता लगेगा कि कौन सी नस्लें हैं जो दूध के लिए बहुत ही अच्छी है, यानी उनकी गादी जो है वो बहुत ही बड़ी रहेगी। उसके बावजूद साथियों, आपके पास चाहे किसी भी नस्ल की गाय है और अगर आप गाय की गादी या थन को बढ़ाना चाह रहे हैं, सुडोल बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए मैंने तीन नुस्खे तैयार किए हैं। साथियों, वो तीनों नुस्खे मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो आइए साथियों, नुस्खे देखते हैं। साथियों, गाय की गादी और थन को बड़ा और सुडोल करने का जो पहला नुस्खा है, उसमें जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं उसमें हमें यूज करना है घट। मेरे हाथ में नारियल का घट है। इस घट में ऐसी विशेषता होती है साथियों, इसका जो कोट है और इसकी जो गिरी है उसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं, ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं जो गाय की गादी के लिए वरदान है। यानी गाय की गादी को सुडोल बनाने के लिए आप इसकी छोटी छोटी चिटकियां कर लें और पर डे 100 ग्राम के हिसाब से कम 2 किलो आप ब्याने से लगभग 20 दिन पहले शुरू करें और कम से कम 2 किलो घट, यानी पर डे 100 ग्राम के हिसाब से आप अपनी गाय को घट खिलाएं। इससे गाय की गादी बहुत ही अच्छी बन जाएगी। साथियों, इसके अलावा जो दूसरा नुस्खा हमारे पास है वो है मूंगफली का तेल। मूंगफली का जो तेल होता है ना साथियों, उसमें भी कई प्रकार के विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो गादी को बनाने के लिए, गाय की गादी को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और तीसरे नुस्खे में मैं बताने जा रहा हूँ एक ऐसी सिरप, यानी एक ऐसा विटामिन जिसका नाम है बायोटिन, यानी विटामिन एच, जिसको बायोटिन बोलते हैं। मेनली ये विटामिन एच जो होता है, हमारे नारियल के तेल में भी विटामिन एच है, तो मूंगफली का जो तेल है उसमें भी विटामिन एच है। यानी नारियल का तेल नहीं, सॉरी, नारियल की जो मैंने अभी आपको बताया था ना घट, उसमें भी विटामिन एच है और मूंगफली के तेल में भी विटामिन एच है। यानी आप मूंगफली का तेल और नारियल वाला घट भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये विटामिन एच की सिर्फ, जो विटामिन एच है वो सारे के सारे विटामिन्स के कॉम्बिनेशन में मिलता है, किसी भी मेडिकल पे आपको मिल जाएगा। यानी आप ऐसी एक सिर्फ लाएं जिसमें विटामिन एच हो, ऐसा कोई पाउडर लाएं जिसमें विटामिन एच हो, यानी बायोटिन, उससे आपकी जो गाय की गादी है वो बहुत ही अच्छी, मजबूत और सुडोल बनेगी। साथियों, गाय की गादी बनाने में संतुलित आहार का बहुत बड़ा महत्व है। यानी गाय जब प्रेग्नेंट हो जाए उसके बाद से आपको गाय के आहार का पूरा ध्यान रखना है। यानी पूरा का पूरा उसका चारा, दाना, बांटा, पूरे को हमें संतुलित करके देना है। अब ये संतुलित आहार क्या है, इसके बारे में मैंने पहले से वीडियो बना रखा है,
अभी आप डिस्क्रिप्शन में जा करके आराम से देख सकते हैं कि संतुलित आहार क्या है, संतुलित बांटा कैसे बनाते हैं, ये सभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसमें देख लें और उसके हिसाब से संतुलित आहार अपनी गाय को दें, उस वो गादी बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके अलावा जो गादी बनाने का फॉर्मूले जो हम दे रहे हैं सारे के सारे, वो फॉर्मूले प्रभावी कब होंगे, यानी अपना असर ज़्यादा कब दिखाएंगे, उसके लिए मैं आपको एक अलग से नुस्खा बता देता हूँ, और वो है हमारी डी वॉर्मिंग। यानी हम जो गाय को पेट में कीड़े मारने की जो दवा देते हैं, जिसे हम डीवॉर्मिंग कहते हैं, यानी डीवॉर्मिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथियों, डीवॉर्मिंग कैसे करनी है, किससे करनी है, वो भी मैंने पूरा विवरण अलग से बताया है। अगर इस वीडियो में मैं बताने लग गया तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए साथियों आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ, नीचे जो विवरण लिखा हुआ है उसमें जाएँ और उसमें जा करके आप वो वीडियो देख लें, उससे आपको पता चल जाएगा कि हमारी क्या बिन गाय की डीवॉर्मिंग हमें कैसे करनी है। जो पशुपालक भाई पहली बार हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे मैं विशेष निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारियाँ हम हमारे चैनल पर हर वीडियो में लेके आते रहते हैं। तो साथियों, कैसा लगा आपको हमारी ये वीडियो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, आपके लाइक शेयर और कमेंट से हमारा चैनल आगे बढ़ने वाला है, ग्रो करने वाला है। और अगर हमारा चैनल ग्रो करेगा तो हम लगातार नई नई अच्छी अच्छी जानकारियाँ, पशुओं से संबंधित पूरा का पूरा इलाज हम आपको देने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। कई ऐसे देसी फॉर्मूले हैं जो शायद आपको पता नहीं होंगे, हर बीमारी में जो काम करते हैं वो फॉर्मूले इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताने वाला है। तो ये चैनल आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही, एक अलग वीडियो में अलग जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।